बॉल ओपोनेंट टीम के पास चली जाएगी। यूएल की जानब से एक उम्दा कोशिश थी लेकिन वो नाकाम रहे। अच्छा रीबाउंड और गुड शॉट बाय यूएल। सलमान बहुत अच्छा शॉट करते हुए एक पॉइंट हासिल करते हैं। यूएल टीम ए स्कोर 1 एंड एलएसी स्टिल 0। जी हाँ, पहले ही मिनट में पहला गोल हासिल किया है और इसी तरह से उनको फ्री शॉट भी मिल गई है। फ्री शॉट मिस कर दी है और अब बॉल जाता है एलएसी के प्लेयर के पास। अच्छा, फ्री शॉट मिस हो गई थी और अब फ्री शॉट दोबारा दी जाती है और ये अटेम्प्ट करते हैं। फ्री शॉट मिस, बॉल एलएसी के पास, एलएसी पास देते हुए अपने प्लेयर को और ये शॉट की एंड गुड शॉट, व्हाट अ नाइस शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट और बास्केट हासिल की एलएसी के प्लेयर ने। अब बॉल जाती है यूएल के पास और डिफेंस पे है एलएसी। इस थ्री साइड गेम में मैन टू मैन डिफेंस होता है जबकि जब हम फाइव साइड खेल रहे होते हैं तो जोन पे डिफेंस करते हैं। वेरी नाइस अटेम्प्ट, गुड लेअप। अब टू पॉइंट्स के लिए अटेम्प्ट किया एंड गुड शॉट बाय यूएल। Amazing shot and they get 2 points. इसी तरीके से UL lead पे चला जाता है पर अभी इतनी कोई lead नहीं है। LSE जो है वो cover कर सकती है इस lead को। Again 2 shot के लिए attempt करते हैं। अच्छी attempt थी लेकिन बस बदकिस्मती से नाकाम रहे वहाँ पे। Amazing pass by UL and amazing shot. इसी के साथ यूएल की टीम ए के 3 पॉइंट्स और एलएसी 1 पॉइंट पे। एलएसी कोशिश करते हुए अटेम्प्ट करता है और इनकी शॉट मिस हो जाती है। गुड रीबाउंड बाय टीम यूएल एंड गुड पास। अभी ये अटेम्प्ट करेंगे टू, नहीं इन्होंने पास दे दिया है। अच्छी अटेम्प्ट लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाकाम रहे वहां पे। ताहा गुलरेज, अफीफ फैजी, जुहेब जावेद एलएससी से खेल रहे हैं और यूएल से मशहूद सलमान और हमजा। यूएल अभी 2 पॉइंट से लीड पे जा रहा है और एलएससी को अभी जो है वो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि डिफेंस बहुत अच्छा है यूएल का। गुड पास बट गुड इंटरसेप्ट बाय यूएल। दोनों ही टीम्स जो है वो बहुत ही अच्छा डिफेंस और ऑफेंस करती नजर आ रही हैं और टफ टाइम दे रही हैं एक दूसरे को। गुड पास बाय एलएससी। बॉल जाता है दोबारा से यूएल के पास और यूएल की ही लीड है इस टाइम पे। अभी है वक्त, इस लीड को आराम से कवर किया जा सकता है क्योंकि कुछ ज़्यादा की तो लीड है ही नहीं। अभी ये अगर डी के बाहर से शॉट अटेम्प्ट करते हैं तो इन्हें 2 पॉइंट मिल जाएंगे और फिर ये जो है वो ऑल हो जाएगा, 3 ऑल। अगर नहीं करते और अंदर से अटेम्प्ट करते हैं तो 1 पॉइंट मिलेगा। सो दोनों ही टीम्स बहुत ही अग्रेसिव गेम खेल रही हैं। ऐसे ही है। एलएससी ने फिर से अटेम्प्ट किया है
और LSE अटेम्प्ट करती बार बार नज़र आ रही है, लेकिन हार्ड लक उनका उनकी बास्केट हो नहीं रही। इन्हें प्रैक्टिस की मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, आप ये मैच लाइव देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर, होम ऑफ चैंपियंस, फिफ्थ जनरेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स DHA लाहौर में। इस वक्त फर्स्ट प्रो 3x3 मैन वुमेन बास्केटबॉल का टूर्नामेंट जारी है और इस वक्त दो टीम सभी जो मैच खेल रही हैं, UOL की टीम ए जो इस वक्त 2 points के साथ लीड पर है, टोटल पॉइंट्स उनके 3, और LSE की टीम जो इस वक्त 1 point पर है। मुझे लगता है अब ये LSE जो है इनको थोड़ा अपनी गेम स्ट्रेटजी चेंज कर लेनी चाहिए, इन्हें चाहिए टाइम आउट लें और फिर डिस्कस करें और कम बैक करें बेटर प्लान के साथ, क्योंकि अब दे डोंट हैव मच टाइम और उसी स्कोर पे अभी तक चल रहा है मैच। और LSE ने अगर जीतना है तो इनको 2 points की ज़रूरत है। वेरी गुड पास बट इंटरसेप्ट कर लिया UOL ने, दे ट्राइड वन मोर टाइम बट मिस हो गया, हार्ड लक। फिर से पास करते हुए UOL अजरार, UOL की पासिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ये अगेन हार्ड लक। ये बहुत ही इस टाइम पे जो है ना क्रिटिकल, लेकिन यहाँ भी नाकाम, चौथी ट्राई फिर से नाकाम और बॉल बाहर जाता है और डेड बॉल। बॉल अब होगा LSE के हाथ में और ये उनका मौका होगा अटेम्प्ट करने का। LSE को चाहिए कि जितनी बाहर से भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि इसी तरीके से वो लोग जीतेंगे। बहुत ही बदकिस्मत रहे अपनी लास्ट अटेम्प्ट्स पर, बिल्कुल ऐसे UOL वाले। अब ये फिर से LSE के हाथ में बॉल आता है और इन्हें चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान दें, जो प्लेयर बाहर बैठा हुआ है अगर अंदर प्लेयर नहीं चल पा रहा तो उसको ले आएं और फिर उससे जो है वो शूटिंग कराएं। अभी ऑफिशियल्स ने टाइम आउट लिया हुआ था और ये गेम का आगाज़ फिर से होता है। LSE के हाथ में बॉल है, व्हाट अ नाइस चेक बाय UOL। UOL फिर से अटेम्प्ट करने लगी है, फिर गुड ट्राई बाय UOL बट अगेन हार्ड लक। ये स्कोर जो है पिछले 4 minutes से इसी पे जा रहा है, दैट मीन्स बोथ टीम्स आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। अच्छा डिफेंस चल रहा है तो स्कोर नहीं हो सक रहा। अच्छी ट्राई थी LSE की जानिब से लेकिन नाकाम रहे। जितना आप डी के अंदर स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखेंगे उतना ही आप गोल बास्केट होने से बचाएंगे। अब LSE को फ्री शॉट मिली है और LSE अगर ये अटेम्प्ट कर लेती है तो इनके लिए ये बेहतरीन मौका है अपनी जो अभी जो 2 point की लीड से हार रहे हैं, 1 point उन्हें और मिल जाएगा। गुड ट्राई बट अगेन हार्ड लक, वो ये मौका नहीं इनके हक में रहा। बॉल LSE के प्लेयर्स के हाथ में, नेक्स्ट टीम जो है वो रेडी हो रही है, UCP का नेक्स्ट मैच है, दे आर डूइंग द वार्म अप। LSE का मैच और UOL का मैच अभी चल रहा है। LSE जो है 1 point पे है और UOL 3 point पे, और UOL की जो है अभी लीड है। जी हाँ, इस वक्त LSE के प्लेयर्स को चाहिए कि बाहर से ट्राई करें ताकि उन्हें 2 point मिलें और वो इस लीड को कवर कर सकें। अगेन गुड ट्राई बट हार्ड लक। इट्स बिन 4-5 minutes, अभी तक कोई शॉट कोई बास्केट नहीं हो सक रही। बहुत ही अच्छा डिफेंस जा रहा है दोनों टीम्स की जानिब से, दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल नहीं स्कोर करने दे रही। लगता है ये मैच इसी स्कोर पे ख़त्म हो जाएगा और UOL जीत जाएगा। 7 minutes गुजर चुके हैं, स्कोर बोर्ड अभी तक वही है, बिल्कुल चेंज नहीं। ओह शॉट, फाइनली UOL की टीम ने फिर से एक और गोल किया, बास्केट की और 4 points हासिल किए।
LSE को अपना स्ट्रैटेजी जो है अपनी वो चेंज करनी पड़ेगी। गुड शॉट LSE दोबारा गेम में आते हुए। अगेन उनकी टू पॉइंट्स उनकी रह गई है लीड। गुड लेअप, वेरी गुड रीबाउंड बाय UOL बघाडला। LSE अपनी जानिब से भरपूर कोशिश में लगा हुआ है कि उनका स्कोर हो जाए, लेकिन UOL ने लीड भी अपनी बरकरार रखी हुई है। अब टाइम आउट हुआ जाता है और 30 सेकंड के टाइम आउट के बाद प्लेयर्स जो हैं वो वापस आएंगे। रेफरीज आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और टीम जो है, क्योंकि थ्री अ साइड में कोचेस नहीं होते, तो जो बाहर बैठा हुआ एक सब्स्टिट्यूशन पे प्लेयर होता है वो पूरी गेम को देख रहा होता है और वो फिर बेहतर जो है वो स्ट्रेटजी बताता है अपने टीम मेंबर्स को कि अब इस तरीके से अगर हम गेम को लेकर चलेंगे तो हम जीत सकते हैं। थ्री अ साइड में यही डिफरेंस है फाइव अ साइड से कि इसमें कोई कोच नहीं होता, टीम आपस में ही प्रॉपर एज अ टीम खेलती है और एक दूसरे को गाइड करके चलती है। जी हाँ, मैच जीत लिया है UOL ने। जी हाँ, UOL ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और आज का मैच जीतने में कामयाब हुए हैं, जबकि LSE ट्राई करते रहे आखिरी वक्त तक, लेकिन नहीं प्रॉपर तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को जो भी उन्होंने प्लान किया था उसके मुताबिक नहीं खेल सके।